हाय एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं हींग के अचार की रेसिपी। ये एक बहुत ही स्पाइसी सा रेड अचार है जो कि बिना तेल का अचार है और इसमें हींग का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इसको आप पूरे साल भी रख के खा सकते हैं, बिना तेल के भी ये ख़राब नहीं होता। तो आइए देखते हैं हम इस स्पाइसी रेड हींग के अचार की रेसिपी। हींग का अचार बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, हमने 1 किलो अंबिया ली थी जिसको हमने धो के छील के और उसके बाद उसको काट लिया है ऐसे लंबी लंबी फांकों में। हमने फांक बराबर नहीं रखी है, कुछ बड़ी फांक रखी है कुछ छोटी, क्योंकि कई लोग ज़्यादा अचार खाते हैं कई छोटा, तो उसमें से वो अपनी सुविधा के अनुसार अचार ले सकते हैं। इसको काटने के बाद ये 1 किलो अंबिया जो है उसमें से 750 ग्राम के करीब गूदा निकला है। तो इस 750 ग्राम गूदे के लिए, जो अंबिया का गूदा है उसके लिए हमने लिया है 250 ग्राम नमक, सफ़ेद नमक, 40 ग्राम ये कुटी हुई लाल मिर्च, ये जो 1 चम्मच है वो हमने 1 शुगर ली है, और 1 से 1.5 चम्मच ये हमने हींग लिया है, क्योंकि हींग का अचार है इसमें इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए हमने ये करीब 1 से 1.5 चम्मच हींग लिया है। और बिल्कुल 1/4 चम्मच हमें विनेगर चाहिए जिससे हमारा अचार प्रिजर्व रहे। अब हम एक बड़ा सा कांच का बोल लेंगे जिसमें हम ये अपना सारा जो हमने कच्चे आमिया का गूदा निकाला है उसको हम डाल देंगे। उसमें हम सबसे पहले नमक मिलाकर रखेंगे 5 से 10 मिनट, जिससे वो थोड़ा सा रसा छोड़ देगा। ये बहुत ही इंस्टेंट अचार है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में। आप ये नमक डाल दीजिए इसके अंदर, चलाते जाइए। ये हमने सारा नमक डाल दिया है, अब हम इसको 5 से 10 मिनट तक छोड़ देंगे, ये हल्का हल्का जब तक रसा छोड़ देगा। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ दिया है और ये नमक इस पे चिपक भी गया है। अब हम बाकी सारे मसाले ऐड कर देंगे इसमें, ये जो शुगर है और हींग है हमने ये डाल दिया, और बाकी हम ये चिली भी डालेंगे। थोड़ी सी चिली हम पहले रोक लेंगे, हम देख लेंगे हमें अगर आपको कम चिली चाहिए, लाल मिर्च कम चाहिए तो आप लाल मिर्च कम डाल सकते हैं जितना आपको, लेकिन ये थोड़ा अचार स्पाइसी ही अच्छा लगता है, जब तक ये लाल लाल ना हो इसको खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये बहुत ही अच्छा अचार है, बिना तेल का है और इसको अच्छे से रखा भी जा सकता है, ये नहीं कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाए या कुछ हो, आप इसको साल भर तक रख भी सकते हैं। थोड़ी सी मिर्ची अभी कम है, हम या सारी मिर्ची डाल देंगे जो हमने 40 ग्राम्स मिर्च ली थी, और इसको मिला देंगे। ये हमारा सारा मसाला मिक्स हो गया है, अब हमने ये 1/2 चम्मच विनेगर लिया है और इसको हम डाल देंगे। ये विनेगर हल्का सा प्रिजर्वेटिव भी होता है, और दूसरी चीज़ ये कि ये अचार का कलर एकदम प्रिजर्व करके रखता है, ये बिल्कुल ऐसे ही लाल लाल अचार रहेगा आपका। अब हम इसको मिलाकर एक कांच के बोट में भर देंगे और इसको 6 से 7 दिन तक धूप में रख देंगे। धूप में रखने पर ये अच्छा सा पानी छोड़ देगा और उसी पानी में ये अचार हो जाएगा, और 6 से 7 दिन बाद ये अंबिया गल भी जाएंगी। अगर आपको थोड़ी कम गली लगे तो फिर आप इसे 8 से 10 दिन भी रख सकते हैं, ये धूप पे डिपेंड करता है, और फिर आप इसको 10 दिन बाद खा सकते हैं। ये दाल चावल के साथ, खाने के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, साबुदाने की खिचड़ी के साथ, आलू के सैंडविचेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, और सूखे आलू के साथ इसको लगा के खाएं तो ये बहुत ही चटपटा और बहुत ही मज़ेदार लगता है। ये हींग का अचार जो हमने डाला है इसको हम कांच के बोट में भरकर धूप में 7-8 दिन होने के लिए रख देंगे। फाकों को आप बड़ी भी काट सकते हैं, छोटी भी काट सकते हैं, वो आप अपनी सुविधा के अनुसार और जैसा कि आप खाने का आपका मन हो आप वैसा काट सकते हैं। ये हमने सारा हींग का अचार अपने एक जार में भर दिया है, जार कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक का जार बिल्कुल भी यूज नहीं करें, और कांच के जार में इसको भर के हम 8 से 10 दिन धूप में रख देंगे, और उसके बाद आप इस अचार को खा सकते हैं। ये फ्रिज में नहीं रखना है, ये बाहर ही आपका बहुत टाइम तक चलेगा।